en un asco. ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita. Dame tu cosita. ¡Ay! तो वीडियो के एंड तक ना लिटरली तुम लोग भी ऐसे ही डांस करने वाले हो, क्योंकि जो वीडियो का एंड है ना वो बहुत ही ज्यादा फनी होने वाला है। और साथ ही वीडियो के एंड तक तुम लोगों का ये पूरा चैप्टर पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाने वाला है और तुम लोगों के एग्जाम में इस चैप्टर से फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो देखो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। तो अभी तक तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर कवर अप करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 10, दैट इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। सो देखो हमेशा की तरह हम लोग इस चैप्टर का भी एक छोटा सा ओवरव्यू जान लेते हैं, उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन को शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अ शॉर्ट ओवरव्यू। तो तुम लोग कभी भी ये इमेजिन कर सकते हो कि इंग्लिश के नर्सरी राइम बुक मदर गूस ने हमारे अर्थ को एलियन इन्वेजन, मार्शियन इन्वेजन मतलब एलियन के अटैक से बचाया है। तो लिटरली यही चीज हम लोग पढ़ेंगे इस स्टोरी में कि आखिर कैसे एक बुक हमारे पूरे अर्थ को एलियन अटैक से बचाती है। सो पूरा जो स्टोरी है हम लोगों का वो एलियन के कन्वर्सेशन के अराउंड रिवॉल्व करेगा कि आखिर वो लोग क्या बात करते हैं और एट द एंड किस पॉइंट पे पहुंचते हैं जिसके कारण वो अर्थ पे अपना अटैक रोक देते हैं। सो अब चलो हम लोग इस स्टोरी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। पहला है हिस्टोरियन, सेकेंड है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, थर्ड है अपेरेंटिस नूडल, फोर्थ है कैप्टन ओमेगा, फिफ्थ है ल्यूटेनेंट आयोटा, सिक्स्थ है सर्जेंट ऊप। बेसिकली हिस्टोरियन को छोड़ के ये सारे एलियंस है। हिस्टोरियन हम लोगों को इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराएगी, उसके बाद ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो कि ये एलियन ग्रुप का लीडर होता है और ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला समझता है क्योंकि इसका जो हेड होता है ये सारी एलियंस में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे सीन वन के साथ। तो करेंटली जब हिस्टोरियन हम लोगों को स्टोरी बताती है तब 25th सेंचुरी का टाइम होता है और प्लेस होता है द म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। हिस्टोरियन सीन वन को शुरू करते हुए बोलती है कि क्या तुम लोगों को ये पता नहीं है कि कैसे 2014 में मार्शियन इन्वेजन से अर्थ को एक बुक बचाती है और वो बुक ना ही कोई मिसाइल की थी ना ही कोई रॉकेट की थी। तो हिस्टोरियन अब कहती है कि चलो अब 2014 में हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर होता क्या है। यहाँ से एलियन के बीच की कन्वर्सेशन शुरू होती है। तो कन्वर्सेशन शुरू करते हुए नूडल कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, दुनिया के सबसे पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएचर, आपके ऑर्डर्स क्या है? उसके बाद थिंक टैंक कहता है, तुमने मेरे सैल्यूटेशन का कुछ पार्ट छोड़ दिया नूडल। उसके बाद नूडल फिर से अच्छे से उन लाइन को रिपीट कर देता है। उसके बाद थिंक टैंक कहता है, ये बेटर था। वैसे हम लोग जो प्लैनेट को इन्वेड करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? नूडल कहता है, अर्थ। इसके बाद थिंक टैंक कहता है, तुरंत ही स्पेस प्रोब टीम को कांटेक्ट करो और बोलो कि लंच से पहले मुझे इस बॉल ऑफ मड को जिसे अर्थ कहा जाता है इसे इन्वेड करना है, वो भी लंच से पहले। नूडल कहता है अब, ओके सर। उसके बाद हमारा सीन टू यहाँ से शुरू होता है और ये जो एलियंस है ये एक पब्लिक लाइब्रेरी में लैंड करते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं क्योंकि बेसिकली ये लोगों को देखना था कि अर्थ के लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, इनके पास क्या क्या वेपन्स है, ये सब देखने के लिए ये लोग पहले एक टीम अर्थ पे उतरती है लाइब्रेरी पे। तो ठीक है अब ये लोग लाइब्रेरी का यहाँ से सीन हम लोगों का शुरू होगा। तो ये लोग जैसे ही लाइब्रेरी पहुँचते हैं तो इनमें से किसी को नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली लाइब्रेरी किसे कहते हैं और यहाँ पे जो बुक्स रखे हैं इसे क्या कहते हैं, ये एग्जैक्टली है क्या। तो कैप्टन ओमेगा पूछता है ल्यूटेनेंट आयोटा से, तुम्हें कुछ आइडिया है ल्यूटेनेंट आयोटा कि एग्जैक्टली हम लोग कहाँ हैं? आयोटा कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कैप्टन कि हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ 2000 से भी ज़्यादा कुछ आइटम्स रखे हुए हैं और मुझे लगता है कि ये शायद कोई स्टोरेज की जगह है। तुम्हें क्या लगता है सर्जेंट ऊप? ऊप कहता है, मैंने 7 गैलेक्सीज घूम ली है लेकिन आज से पहले मैंने ये सब चीज़ें नहीं देखी है।
ओमेगा कहता है अब ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आप हमें बताइए कि एग्जैक्टली हम लोग हैं कहाँ। थिंक टैंक कहता है, माय डियर ओमेगा, तुम जल्दी से एक आइटम उठाओ और मुझे पास से दिखाओ कि एग्जैक्टली ये है क्या। उसके बाद ओमेगा उसे पास से दिखाता है। उसके बाद थिंक टैंक कहता है, शायद ये कोई खाने की चीज है जो कि अर्थ के लोगों ने यहाँ पे स्टोर करके रखा है। ऊप कहता है, अर्थ के लोगों की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज डाइट है वैसे। थिंक टैंक कहता है, ये जो आइटम तुमने हाथ पे पकड़ के रखा है ये शायद एक सैंडविच है। ओमेगा कहता है, अ सैंडविच। आयोटा कहता है, अ सैंडविच। ऊप कहता है, क्या ये एक सैंडविच है। थिंक टैंक कहता है, अब ये एक सैंडविच है क्योंकि साइड में देखो तुम लोग दो स्लाइस है ब्रेड के और बीच में फिलिंग्स है कुछ। ओमेगा कहता है, आप करेक्ट हो सर। थिंक टैंक कहता है, मेरे ओपिनियन को सही करने के लिए मेरी ऑर्डर है कि तुम इसे खा के देखो। ओमेगा कहता है, क्या हमें इसे खाना होगा। थिंक टैंक कहता है, क्या तुम्हें मेरे ऑर्डर्स पे कोई डाउट है। उसके बाद ओमेगा कहता है, नहीं नहीं मुझे कोई डाउट नहीं है, ल्यूटेनेंट आयोटा ने ब्रेकफास्ट नहीं किया आज, उसे खाने का चांस दीजिए सर। अब आयोटा कहता है, क्या मुझे इसे खाना होगा। ओह कैप्टन, ये मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि मैं पहला मार्शियन होगा जो ऐसा करने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये काम वन एंड ओनली सर्जेंट ऊप को मिले, ये बड़ा काम उन्हें को करना चाहिए। ऊप कहता है, क्या मैं ल्यूटेनेंट आयोटा। अब आयोटा ओमेगा कहता है, हाँ मार्स के ग्लोरी के लिए ऐसा कर लो ऊप। ऊप कहता है, हाँ मैं जरूर करूंगा। उसके बाद ऊप खाता है उसे। अब सभी लोग ऊप को पूछते हैं, क्या ये टेस्टी था सर्जेंट ऊप। थिंक टैंक भी पूछता है, क्या ये टेस्टी था सर्जेंट ऊप। अब ऊप कहता है, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है, पता नहीं अर्थ के लोग कैसे इसे खाते हैं, ये तो बिल्कुल डस्ट के जैसा है। नूडल कहता है, सर सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मुझे कुछ बोलने का मौका दीजिए। ऐसा नूडल कहता है। थिंक टैंक कहता है, तुम बोलो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे बोलने में वैसा कोई फायदा होगा। नूडल कहता है, वेल सर मुझे लगता है और मैंने नोटिस किया है कि अर्थ के लोग इसे कम्युनिकेशन के तरह यूज करते हैं। थिंक टैंक बोलता है, अरे हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, मैं भी यही कहने वाला था। थिंक टैंक कहता है, अब सभी लोग इसे अपने कानों पर लगा के सुनो कि इससे कोई आवाज आती है। अब वो सारे एलियंस उस बुक को, सारे बुक्स को अपने अपने कानों के पास लगाते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बुक से उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई देता है। ओमेगा कहता है, शायद हमारे ईयर्स इतनी कम फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते हैं। आयोटा कहता है, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। अब नूडल कहता है, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ आइडिया आया है, मेरे हेड में कुछ आइडिया आया है। थिंक टैंक कहता है, बोलो नूडल, क्या तुम्हें क्या पता चला है। नूडल कहता है, मुझे लगता है कि अर्थलिंग इसे अपने कानों पास लगा के नहीं सुनते हैं, ना ही ये एक सैंडविच है, मुझे लगता है कि वो लोग इसे खोलते हैं और इसे देखते हैं। अब थिंक टैंक कहता है, तुम सही हो नूडल, मुझे भी यही आइडिया आ रहा था, मुझे सभी को बताने दो। कैप्टन ओमेगा जल्दी से उस चीज को, वो आइटम को खोलो और देखो कि उसके अंदर है क्या। ओमेगा अब बुक को खोलता है और वो देखता है कि अंदर बहुत सारे फोटोज है। ओमेगा कहता है, अंदर बहुत सारे कलरफुल फोटो है जो कि अर्थ के लोग देखते हैं। आयोटा कहता है, अंदर तो बहुत सारे कोड है। थिंक टैंक कहता है, क्या इसके अंदर कोड है, शायद ये कोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ऊप कहता है, ये सारे लाइंस में कुछ कुछ कोड लिखा हुआ है सर। अब थिंक टैंक कहता है, हमें तुरंत ही इस कोड को ब्रेक करना चाहिए। नूडल कहता है, सर मुझे लगता है कि हमें वो जो कैप्सूल है उसे खा लेना चाहिए, विटामिन्स की कैप्सूल खा लेना चाहिए, जिससे हम लोग कोई भी कोड को डिकोड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, उसका ये कहना था। तो अब वो सभी लोग वो विटामिन कैप्सूल खा लेते हैं और फिर पढ़ना शुरू करते हैं। अब थिंक टैंक कहता है, ओमेगा जल्दी से सारी कोड को पढ़ो और मुझे बताओ कि लिखा क्या है एग्जैक्टली। ओमेगा कहता है, यस सर, और पढ़ना शुरू करता है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रारी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल सेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेट्स ऑल इन अ रो। अब ऊप हंसने लगता है, हा 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 इमेजिन, ये देखो ये लोग अभी भी गार्डनिंग करते हैं। थिंक टैंक कहता है, चुप
चुप रहो तुम, देख नहीं सकते हो ये कितनी सीरियस बात है। उन लोगों ने माइनिंग और एग्रीकल्चर को कंबाइन करके एक ऐसी टेक्निक डिस्कवर किया है जिससे वो लोग माइंस को यानी कि सिल्वर और गोल्ड को जमीन से ग्रो कर सकते हैं। देख नहीं रहे हो कितनी सीरियस बात है। नूडल कहता है, अब सर हमारी जो स्पेस क्राफ्ट है जो इन्वेट करने वाली अर्थ पे वो तैयार है, वो अब नीचे आने के लिए तैयार है, वो अटैक कर देगी किसी भी वक्त। थिंक टैंक कहता है, उन्हें होल्ड करने बोलो, अभी हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चला है और अर्थ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चला है, अभी उन्हें रुकने बोलो। सो गाइस तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि ये एलियंस जो है वो कितने बेवकूफ है, उन्होंने पढ़ तो लिया लेकिन ये जो पोयम है इसे मिस इंटरप्रेट कर दिया और गलत वे में समझ लिया। तो वो लोग तो समझते हैं कि वो लोग बहुत तेज है लेकिन रियलिटी में वो सारे बहुत बेवकूफ होते हैं। तो अब चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट पोयम आयोटा रीड करता है। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जंप्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच अ स्पॉट एंड द डिस रैन अवे विद द स्पून। अब ऊप हंसने लगता है और कहता है द डिस ran away with the spoon, ये क्या बात हुई। थिंक टैंक अब गुस्सा में आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये कितनी सीरियस अलार्मिंग बात है, अर्थलिंग ने एक हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन डिस्कवर कर दिया है। क्या तुम्हें ये सुनाई नहीं दे रहा है कि वो अपने जानवरों को ऐसा ट्रेन कर रहे हैं कि उन्हें अलग अलग स्पोर्ट्स और कल्चर भी सिखा रहे हैं। तो तुम लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि इवन उनके डॉग्स के पास सेंस ऑफ ह्यूमर है। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये कितनी खतरनाक बात है कि जो अर्थ के लोग हैं वो अपने जानवरों को ट्रेन कर रहे हैं, वो हमसे लड़ सकते हैं। अभी तुरंत ही इन्वेजन फ्लीट को जो अटैक करने वाला अर्थ को उन्हें नोटिफाई करो और बोलो कि आज कोई भी अटैक नहीं होगा। अब सर्जेंट ऊप नेक्स्ट पोयम रीड करता है। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन। तो देखो यहाँ पे ना एक ट्विस्ट आता है, जो फोटो उस बुक में थी हम्प्टी डम्प्टी की वो एक्स की थी और सेम टू सेम थिंक टैंक की जैसी दिख रही थी। तो ऊप तुरंत ही जाके वो फोटोज थिंक टैंक को दिखाता है और थिंक टैंक फिर से उसे इस पोयम को मिस इंटरप्रेट कर लेता है और जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये तो मैं हूँ, ये तो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है, ये तो मैं हूँ, अर्थ के लोगों को पहले से ही मेरे बारे में पता है, ये तो बहुत बुरी खबर है हम लोगों के लिए। थिंक टैंक लास्ट के दो लाइन को गलत समझ लेता है और सोचता है कि अर्थ के लोगों को मेरे बारे में पहले से पता है, वो शायद मुझे पकड़ने का प्लान पहले से बना चुके हैं और उन लोगों को जो अटैक है उसके बारे में पहले से पता है। अर्थ के लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक है, वो ऐसा समझ लेता है और फिर थिंक टैंक बोलता है कि तुरंत ही मुझे अर्थ से बाहर निकालो, मुझे तुरंत ही इस जगह से ले जाओ और यहाँ पे कोई भी क्लू मत छोड़ना कि कभी भी हम लोग यहाँ आए थे। अब नूडल कहता है, सर हम लोग कहाँ जाएंगे। अब थिंक टैंक कहता है, मुझे मार्स से मिलियन माइल्स दूर ले चलो और इन्वेजन फ्लीट को तुरंत ही ऑर्डर दो कि मार्स को खाली करके बहुत ही दूर चलना है हम लोगों को। हम लोगों को अल्फा सेंचुरी जाना है जो कि 100 मिलियन माइल्स अवे है अर्थ से। अब हिस्टोरियन आती है और वो कहती है कि देखा तुम लोगों ने कि कैसे नर्सरी राइम बुक ने हमारी अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से बचाया। और फिर वो कहती है कि 500 ईयर के बाद हम लोगों यानी कि अर्थ के लोगों ने मार्स के लोगों से कांटेक्ट किया और उनसे दोस्ती भी की। इवन तब तक वहां का जो रूलर था थिंक टैंक वो भी चेंज हो गया था और गेस करो कि कौन था नया रूलर। नया रूलर था नूडल। और फिर हम लोगों ने उन्हें बुक को पढ़ना भी सिखाया। सो गाइस इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। तुम्हारे भाई को इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।